नमस्कार। गलवान और 1967 सिक्किम वॉर से भी पहले एक ऐसी घटना जिसके कारण चाइना को आज भी पूरी दुनिया के सामने बेहद शर्मिंदा होना पड़ता है। कैसे एक 23 साल का नौजवान उनकी नाक के नीचे से गायब हो गया। नौजवान दलाई लामा के तिब्बत से बचकर भारत आने की उस सनसनीखेज यात्रा को मैं आपका होस्ट अंकित इंडिया नाउ एंड हाउ के इस स्पेशल एपिसोड में आपको बताऊंगा। चाइना की नज़र शुरू से ही तिब्बत पर थी। 1913 में चाइना का किंग शासन खत्म हुआ और कुछ सालों के लिए वो एक रिपब्लिक तक बना। इसको मौका मानकर 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को फिर से स्वतंत्र घोषित कर दिया। चाइनीज सरकार इससे बौखला गई पर कई साल कोई बड़ी हरकत नहीं हुई। फिर आया 1949 जब माओ ज़ेडोंग चाइना के कम्युनिस्ट डिक्टेटर ने रिपब्लिक को हटाकर कम्युनिस्ट सरकार को खड़ा कर दिया। ये करते ही 1950 में चाइनीज आर्मी ने लगभग सारे तिब्बत पर हमला किया और उस पर अवैध कब्जा कर लिया। तिब्बत की राजधानी लासा अभी भी बची हुई थी। 9 साल तक कुछ अग्रीमेंट्स और यूनाइटेड नेशंस को भी इन्वॉल्व किया गया पर उनका कुछ असर नहीं हुआ। 1959 आते आते चीन ने लासा को भी घेर लिया। दिन था 10 मार्च 1959 का और 14वें दलाई लामा श्री टेंजिन ग्यात्सो पैलेस में ही थे। उनको बचाने के लिए आम जनता ने उनके महल को बाहर से घेर लिया। उनके आगे घेराव करते हुए चाइनीज सिपाहियों ने उनको दोस्ती का एक और मौका दिया और बहाने से कल्चरल प्रोग्राम में आने का निमंत्रण दिया। ये एक चाल थी कि बिना खून खराबा किए दलाई लामा को बंदी बनाकर बीजिंग ले जाया जा सके। पर दलाई लामा के सलाहकारों ने भी चीनी राधा भाप कर उनको ना जाने को कहा। दलाई लामा ने अपने ज्योतिषी को पूछा जिन्होंने कहा कि उनको रातों रात यहाँ से गुप्त तरीके से भाग जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो अगले ही दिन चीनी सेना हमला भी कर सकती है। टाइम कम था और पकड़े जाने का खतरा हर पल और हर कदम पर था। दलाई लामा तैयार हुए। उसी रात कई चीनी सिपाहियों की यूनिफॉर्म का इंतज़ाम कर कर कुछ लोगों ने महल चुपचाप पहुंचाया और उन्हें पहन दलाई लामा, उनके परिवार के कुछ लोग, करीबी रिश्तेदार और वफादार सिपाही भीड़ की आड़ में वहां से निकले। भीड़ से चुपचाप निकलकर वो शहर से बाहर पहुंचे। बाहर उनके कुछ और वफादारों को पहले ये संदेश पहुंचाया जा चुका था कि लामा वहां पर आने वाले हैं। वो सब मिलकर फिर वहां से आगे बढ़े। लेकिन चीनी सेना को यही लगता रहा कि लामा अभी भी लासा के उसी पैलेस के अंदर हैं। उन पर ये इम्प्रेशन भी जमाया जाता रहा कि दलाई लामा उनकी बातों को मानेंगे और 2-4 दिनों में वो बाहर आकर उनके साथ कुछ संधि की बातें करेंगे। इस बात ने उनके काफिले को कुछ और समय दे दिया। अगले 6-7 दिनों वो बचते बचाते गांव से गांव करते करते आगे बढ़े। फिर आई 17 मार्च। उनको क्यूचू नाम की एक बड़ी नदी को पार करना था, लेकिन नदी पार करते समय उनको चाइना के कुछ अधिकारियों ने देख लिया। उनको पहले तो कुछ शक हुआ, लेकिन जब उन्होंने उनके ऊपर चाइनीज़ यूनिफॉर्म देखी तो उनको यही लगा कि वो चाइना के ही सिपाही हैं। उन्होंने फिर कुछ नहीं किया और वो दल सुरक्षित वहाँ से चला गया। ठंडी, बर्फीली और सैकड़ों फीट चौड़ी ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर पाना एक बड़ा चैलेंज था, पर उस दल ने और उनका सामान उठा रहे खच्चरों ने नदी को पार कर लिया और भूटान बॉर्डर के पास तक पहुँच गए। अब तक चाइना की पीएलए को शक हो गया था क्योंकि दलाई लामा उनके हिसाब से 5-6 दिनों से लासा के उसी पैलेस से बाहर नहीं निकले। उन्होंने पैलेस पर पूरा धावा बोल दिया, लेकिन लोग जो पैलेस के बाहर थे और जो नहीं जानते थे कि उनके चहीते लामा निकल चुके हैं, सेना से भिड़ पड़े। 2000 लोगों ने सेना को रोकते हुए अपनी जानें गंवाईं। सेना उनसे निपट कर जब अंदर घुसी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि दलाई लामा वहाँ पर नहीं है। ये खबर बीजिंग पहुंचाई गई। एक्स्ट्रा फोर्स ने छानबीन शुरू कर दी और एयरफोर्स ने भी उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। वहां दलाई लामा के दल ने आसान पर रिस्की भूटान के रास्ते को छोड़ा क्योंकि उन्हें पता था कि चाइना की पीएलए वहां तैयार मिलेगी। इसलिए उन्होंने लंबा लेकिन सेफ रास्ता चुना जो अरुणाचल से था। चाइना ने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी कि वो वहां से जाएंगे। एक हफ्ता और निकला और वो लोग 26 मार्च 1949 को अरुणाचल प्रदेश के पास लुनसे जोंग नाम की जगह पहुंचे। वहीं से दलाई लामा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से भारत में शरण लेने के लिए एक चिट्ठी लिखी और गुपचुप तरीके से दिल्ली भिजवाई।
तीन चार दिन में ही वो चिट्ठी पंडित नेहरू के पास पहुंच गई। पंडित नेहरू ने उनकी रिक्वेस्ट को उसी समय मान लिया और एक टुकड़ी को बॉर्डर पर रेडी रहने को कहा। उसके अगले ही दिन 30 मार्च 1959 को दलाई लामा और उनका दल अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से होते हुए भारत एंटर कर गया। 13 दिन की उस जानलेवा और बेहद कठिन यात्रा का अब अंत हो गया था। पहले कुछ समय मसूरी और उसके बाद धर्मशाला बना उनका और बाकी तिब्बतियों का घर। आज श्री दलाई लामा 87 साल के हैं और उनको उनका घर तिब्बत छोड़े हुए करीब 64 साल हो चुके हैं। इस दिलचस्प कहानी में आज बस इतना ही। ऐसी ही एक और रोमांचक कहानी को लेकर हम बहुत जल्द आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।